दोस्तों, आज मैं आपको लेके आऊँ भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई एक ऐसी याद है जो कि आपको फिर से ताज़ा करेंगी और आपको एक अलग सा आनंद फील कराएंगी। यानी कि अत्र अभी तक आपने बड़ी बड़ी गायें देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो छोटी छोटी गायें देखने को मिली। भक्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, लकड़ी से छोटी छोटी कुटियाँ बनाई हुई है। इसमें यहाँ पे क्या है, जो महात्मा गण है यहाँ पे निवास करते हैं। कहते हम लोगों को कहते हैं बड़े ही भाग्यशाली मान सकते हैं। यहाँ पे सभी के देखो भक्तगण, सभी लोग कहते हैं इस कुंड के अंदर सिंह करके स्नान करके अपने आप को आनंदित करते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त विशाल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विशाल बरसाना में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आऊँ भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई एक ऐसी याद है जो कि आपको फिर से ताज़ा करेंगी और आपको एक अलग सा आनंद फील कराएंगी। यानी कि मैं लेके आया हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण का जहाँ बचपन बीता था, जिन्होंने क्या है कि अपना यानी कि बचपन बीता था, जहाँ पे जिस रज में वो खेले थे उस रज से मैं आपको अनुभव कराने के लिए क्या हूँ, महसूस कराने के आया हूँ कि कितना आनंद आता था उस समय उस रज में। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि भक्तगण है काफ़ी आनंदित हो रहे हैं इस रज में खेल करके, महसूस कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की उन यादों को। तो एक ऐसे दिव्य स्थान से मैं आपको आज मिलाने लेके आया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे बस आनंद ही आनंद बरस रहा है और खुशी पलों में कहते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसी समय पे आए हैं कि यहाँ पे आरती शुभारंभ होने वाली है, जहाँ पे कहते हैं स्वयं गजानन महाराज जी यहाँ पे आरती करते हैं हमारे रमन विहार जी की। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ रमन रीति पर। तो एक ऐसा दिव्य स्थान जो कि कहते ना जिसकी महिमा अपरंपार है। तो भक्तों, आज इसका मैं संपूर्ण सार आपको अपने चल के माध्यम से दिखाऊंगा और यहाँ पे लोगों का कितना आनंद ले रहे हैं उन सबसे मिलवाऊंगा। और सबसे पहले इसके मैं हम लोग आरती के लिए चलेंगे और यहाँ पे स्वयं गजानन महाराज जी हमारे रमन विहार जी की आरती करते हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को, जो भाई इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ब्रज में हो रहे हर तीर्थ स्थान, हर अलौकिक लीला के दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको आपके घर तक मिल सके। भक्तों, हम लोगों ने रमन विहार में प्रवेश कर लिया। हम लोग मंदिर प्रांगण की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि उसकी बनावट है, छोटी छोटी बांसों से बनाया हुआ है इस तरीके से। और काफ़ी भक्तजन है कि हमारे रमन विहार में, रमन रीति में भगवान हमारे श्री कृष्णा के दर्शन करके लौट रहे हैं और हम भी अभी लोग मंदिर प्रांगण जा रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं हमारे श्री रमन विहार जी के। तो भक्तों, ये जो देख रहे हो, ये जो प्लेस देख रहे हो, यहाँ पे सभी जातिगण हैं जो कि भक्तगण हैं बैठे हुए हैं। ये क्या है कि यहाँ पे जब भी कोई संकीर्तन वगैरह होता है तो यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या है कि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे स्वयं गजानन जी हमारे रमन विहार जी की आरती करते हैं। तो आप देख सकते हो उनके दर्शन कर सकते हो गजानन महाराज के। अब तो आप देख रहे हो सभी लोग हमारे यहाँ पे रमन विहार के अंदर कहते हैं अभी दर्शन में थोड़ा सा टाइम है, तो सभी कहते हैं गजानन जी के साथ यहाँ पे आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये है रमन विहार, यानी कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, यहीं पर इस रेत में कहते हैं यहाँ पे रेत आपको देखने को मिलेगा, वो भी हम आपको अपनी वीडियो में भी आपको दिखाएंगे। तो कहते हैं ना वहाँ पे खुद हमारे भगवान श्री कृष्ण के रजनों की कर्णों की जो धूल है वो भी देखने को मिलती है। भक्तों, इधर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हम लोग रमन विहार के अंदर है और यहाँ पे क्या है, छोटी सी गाय आपको देखने को मिल जाएगी। ज़्यादातर अभी तक आपने बड़ी बड़ी गायें देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो छोटी छोटी गायें देखने को मिली, क्योंकि यहाँ कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था, तो उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी है और इधर क्या है, सभी लोग अभी मंदिर प्रांगण खोलने ही वाला है और स्वयं गजानन जी के साथ सभी लोग आनंदित होते हुए भगवान श्री कृष्ण के बचपन यहाँ पे बीता था, तो उन्होंने कहा यहाँ पे केले थे बड़े हुए थे। भक्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, लकड़ी से छोटी छोटी कुटियाँ बनाई हुई है, जिसमें यहाँ पे क्या है जो महात्मा गण है यहाँ पे निवास करते हैं। और सब पे अलग अलग कहते हैं लिखा हुआ है कि ये उनवार ऋषि की कुटिया है, कभी सबका अलग अलग नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, आपको देख सकते हो सब चीज़ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक देखने को ज़्यादातर मिल रही है। इस वाली दिव्य झांकी में आप देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं हमारे ब्रह्मा जी जो कि
वेद और प्राण की ज्ञाता है, उन पर नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों हम लोग रवन विहार के अंदर है, तो यहाँ पे क्या है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की संपूर्ण लीला यहाँ पे देख दर्शाई गई है कि किस तरीके से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। उसके बाद ये सारा कुछ यानी कि मैया सुधा के साथ प्लस ये शेषनाग लीला, और इधर आप देख सकते हो माखन चोर लीला, इस पर चीरण, और इस तरीके से कंस वध, यानी कि समय संपूर्ण लीला यहाँ पे दर्शाई गई है छोटे से चित्र के अंदर, जो कि काफी अद्भुत है, काफी सुंदर है, मन को मोहित कर रहा है। इधर आप देख सकते हो सभी भक्तन के कि हमारे रमन बिहार में यहाँ पे कहते हैं मिट्टी के इस राज्य के भगवान श्री कृष्ण की जो राज्य है ना, जिस उन्होंने यहाँ पे वो घुटमन घुटमन खेले थे, उस राज्य को अपने शरीर से लगा करके उस आनंद को जो कि उस समय कहते हैं ना भगवान कृष्ण के यहाँ से करीब हजारों वर्ष पहले उस आनंद को यहाँ पे महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हो सभी लोग आनंदित हो रहे हैं और लोट पोट करके इस राज्य को, उस कहते ना इस सुगंधित राज्य को जिसमें भगवान श्री कृष्ण की खुशबू आज भी यहाँ पे, आज भी जो गंध है ना वो देख सुनने को मिलती है, तो इस तरीके से सभी लोग आनंद लेते हुए, तो कहते हैं बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं उस परम सुख को, उस आनंद को महसूस करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं माता जी कहते हैं मिट्टी के घर बनाते हैं, और यहाँ का मानना होता है कि इनके इस टाइम जैसे घर भगवान श्री कृष्ण की इच्छाएँ पूरी करते हैं इस तरीके से। तो सभी लोग उस आनंद को उस रज में लोट पोट करके भी आनंद होते हुए देखो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग बड़े ही आनंद और कहते ना उस परम सुख को अनुभव कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे उनकी जो लीलाएं की थी, और उस समय वो रस जो बरसा था उस रस को यहाँ पे स्वयं महसूस करते हुए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रमन बिहार रमन जी के मंदिर में, और भक्तगण का दर्शन पाकर अपने आप को आनंद से फील करते हुए, और आप देख सकते हो सभी हमारे रमन बिहार जी के दर्शन बड़े ही आनंद पूर्वक कर रहे हैं। भक्तों आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पंडित जी सभी को कहते हैं ना हमारे रमन बिहार का ज्ञान देते हुए, सभी को समझाते हुए कि भगवान श्री कृष्ण की जो बचपन यहाँ बीता था, किस प्रकार उन्होंने यहाँ पे खेले कूदे थे, किस प्रकार यहाँ पे बड़े हुए थे, तो सभी उनका स्मरण उनको याद दिलाते हुए। और इधर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग कारनामे यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं जो कि, और इधर एक भैया लग रहे हैं देखो पूरा उन्होंने रेत का किया हुआ। तो इस रात रेत में भगवान कृष्ण की कहते ना उस रज को हम लोग महसूस करते हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे घुटमुन घुटमुन खेले थे। तो भक्तों अभी आपने दर्शन किए और साथ साथ ही रमन रेती में कर रहे रमन बिहार, यानी कि सभी लोग आनंद उठा रहे, सभी का दर्शन किया। अभी हम लोग थोड़ा आगे आए हैं रमन रेती के अंदर ही है, तो यहाँ पे क्या है आगे कुंड है उसके भी दर्शन कराएंगे। यहाँ से कुंड से पहले क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है झूला झूलने के लिए एक पूरा अच्छा गार्डन है यहाँ पे, कोई कहते हैं अलौकिक शांति यहाँ पे नजर आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे माताएं बहनें और सभी भाई बंधु, यानी कि माताएं बहनें झूला झूलते हुए और सभी त्रिगण आराम से बैठ करके उस शांति को अनुभव करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर आप देख सकते हो बच्चों के लिए बैठने के लिए आराम से खेलने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इस तरीके से बैठ करके अपने आप को आनंदित करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये है रमन रेती का जो कि कुंड, यहाँ पे क्या है एक बार मैं पहले नहा के गया था, लेकिन उसके बाद कई बार यहाँ पे आया, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे नहाने के लिए हमेशा ऑफ ही मिलता था जिस समय मैं आता था। तो आज क्या है बड़े ही कहते हम लोगों को कहते हैं बड़े ही भाग्यशाली मान सकते हैं यहाँ पे सभी के लिए। देखो भक्तगण ने सभी लोग कहते हैं इस कुंड के अंदर स्विंग करके स्नान करके अपने आप को आनंदित करते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है, आप देख रहे हो कितना आनंद यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो काफी बड़ा कुंड है जो कि रमन रेती के अंदर है, जब भी आप आते हो तो आप एक बार स्नान करके जरूर जाएं, काफी अच्छा है और काफी स्वच्छ इसका जल भी है, और चारों तरफ कहते हैं छायादार वृक्ष लगे हुए हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है यहाँ पे।
तो दोस्तों आज हमने आपको रमण विहार, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का बचपन यहाँ पे यानी कि बीता था, भगवान कृष्ण यहाँ पे पले थे, बड़े हुए थे और यहाँ पे उन्होंने गाय चराई थी, तो उस रज में जैसे भगवान कृष्ण के जो चरणों की रज है, उससे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको मानसिक आनंद को अनुभूति कराया है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि लोग आकर के उस रज में अपने शरीर को पूरा लपेट लेते हैं और उस शीतलता का अनुभव करते हैं जो भगवान कृष्ण के हजारों वर्ष पहले जो आनंद यहाँ पे बरस रहा था, जब भगवान कृष्ण ने यहाँ पे गाय चराई थी और यहाँ पे अपना बचपन गुजारा था, उस आनंद को अनुभूति लोग करते हैं यहाँ पे। अगर आप जब भी आप मथुरा आते हो, मथुरा वृंदावन आते हो, तो एक बार रमण रीति जरूर आए और यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण की जो चरणों की रज है, उससे अपने मस्तिष्क से अपने पूरे शरीर पे लगा करके उस कहते हैं हमारे ब्रज में जो दिव्य अलौकिक आनंद है, जो भगवान कृष्ण के चरणों की जो रज है, उसे एक बार जरूर लगाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे लिखना ना भूलें। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी के साथ राधे राधे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।